Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबको गुड मॉर्निंग. मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे. और आपके एग्ज़ाम्स कॉन्टिन्यूस पास आते जा रहे हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं. जम के मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, खूब बढ़िया से पेपर दीजिएगा. तो गाइस, शुरू करेंगे आज का अपना सेशन. और हमारे सेशन में क्या होने वाला है, स्टार्टिंग में आपको हम कुछ पॉइंट दिखाएंगे इंपॉर्टेंट और लास्ट में आपका रिविज़न कराएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में. तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और स्टार्टिंग करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए. तो हमारा जो सेशन है वो क्या है यहाँ पर, एक्सीलेंस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट. ये मैं कह चुका हूँ पहले भी, जो एक्सीलेंसी आती है ना वो आती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से, आपके डिटर्मिनेशन से, आपके पेशेंस से. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक ही बार में क्वेश्चन किया और आपका आंसर भी आ गया और आप एक्सीलेंट बन गए. नहीं, दूसरा क्वेश्चन आपको जरूर रोकेगा. कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए वरना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा. तो पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें तभी आप हार्ड वर्क कर पाएंगे और हार्ड क्वेश्चन कर पाएंगे. तो बेसिक्स पर हमेशा ध्यान दें. बच्चे हमेशा बेसिक क्लियर ना करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और उन्हें दिक्कत होती है. वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कोई भी हो, बेसिक्स जरूर क्लियर होने चाहिए अगर आपको एक्सीलेंट बनना है. तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन के साथ. और ये रहा हमारा पहला स्लाइड जहां पर आपको हम इंडेक्स दिखा रहे हैं. तो इस इंडेक्स में क्या क्या हमको पढ़ना है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है आज, और आगे बढ़ेंगे और आपको और सेशन में आगे बताएंगे. चलिए, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. और यहां पर हम नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे और नेशनल अफेयर्स में हम बात करेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की. तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अहमदाबाद में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है. अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है और आप हमारे शो में देख पा रहे हैं. ठीक, तो 17 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे दे रहे हैं. और ये जो हॉस्पिटल है ये सीधे आयुष्मान भारत से कनेक्टेड होगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उससे ये एफिलेटेड होगा. और इस हॉस्पिटल में 1500 बेड हैं, आपको उसकी इंफॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं. देखिए, आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सुपर स्पेशलिटी पब्लिक हॉस्पिटल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च. यानी इसका नाम क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च. और ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है. द हॉस्पिटल वॉज बिल्ट बाई अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो आप ये देख पा रहे हैं. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेशन किया है, कहाँ पे किया है, अहमदाबाद में किया है. हॉस्पिटल का नाम क्या है तो आपके सामने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च. और इसे किसने बनाया है तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया. मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स को मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपको समझना है. तो इतना आपने समझ लिया होगा. हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर जी हमको देने वाले हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बढ़ रहे हैं. देखिए, तो ये तो मैं आपको पहले बोल चुका कि 1500 बेड हॉस्पिटल है और ये काफ़ी सस्ते में, अफोर्डेबल प्राइस में ये सर्विसेज यहाँ मिलेंगी. और इसका लिंक्ड है आयुष्मान भारत के साथ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, आयुष्मान भारत. तो 1500 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, ये भी इन्फॉर्मेशन है. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह के हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, इसमें बेड की संख्या कितनी है, तो 1500 है, आपको ये पता है. चलिए, तो अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर जो जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपको ये पता है ना, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, आपको मिल जाएगा. ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो रही है. देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले तो ये कैशलेस स्कीम है और आपको पता है कि हमारे देश में जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए का पर एनम हेल्थ कवरेज मिलेगा, ऐसे लोग जो कि महंगे सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 5 लाख रुपीज़ का. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कहाँ से की, तो रांची से की 23 सितंबर 2018, और 25 सितंबर को ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो गया दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस के मौके पर. तो ये सारे की पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, तो ये था हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इसमें आप पढ़ेंगे ना तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. देखिए, प्राइमरी केयर का मतलब होता है कि आप बीमार हैं, आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, आपने कंसल्ट कर लिया, प्राइमरी केयर होता है. सेकेंडरी केयर का मतलब कि उस डॉक्टर ने आपसे बोला कि नहीं, आपको कार्डियो की प्रॉब्लम है, आप जाओ कार्डियोलॉजिस्ट के पास. तो जब आप किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सेकेंडरी केयर में आता है.
और जब आपका सर्जिकल कुछ होता है तो वो टर्शरी में आता है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये प्राइमरी सेकेंडरी सबको कॉल करेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुजरात के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं, गवर्नर ओम प्रकाश कोहली जी हैं, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नेशनल पार्क गुजरात के मैंने ट्रिक के थ्रू यूट्यूब पर पढ़ाए हुए हैं। वैसे ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अगर हम हेरिटेज साइट की बात करें तो देखिए चंपारण, और यहाँ पर देखेंगे तो पवागज आर्कियोलॉजिकल पार्क है, रानी की वाव है। रानी की वाव किस करेंसी पर है इमेज, आपको ये पता है ना, जरा मुझे आंसर करिएगा, ठीक है। तो ये हमारे गुजरात के कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है, पहली न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। हम आगे बढ़ेंगे, शायद देखें कुछ मिले, हाँ ठीक है। अब दूसरे न्यूज़ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 1.37 करोड़ रूरल होम्स कंप्लीट हो गए हैं। एग्जैक्टली में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, रूरल आवास योजना की। देखिए 2016 में ये स्कीम आई थी और इसका लक्ष्य था 1 करोड़ घर बनाना उनके लिए जिनके अपने कच्चे मकान हैं। तो हम उसकी बात तो करेंगे, लेकिन 1.37 करोड़ रूरल होम्स का मतलब क्या हुआ, तो आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको ले चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज कंप्लीटेड 1.37 करोड़ रूरल होम्स सिंस अप्रैल 2014। तो अप्रैल 2014 से द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 1.37 करोड़ रूरल हाउसिंग को कंप्लीट कर लिया है। पहली इंफॉर्मेशन, ठीक। दूसरा, द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वॉज लॉन्च ऑन नवंबर 20, 2016। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये 2016 में लॉन्च की गई थी, ठीक, और इसका टारगेट कितना था, 1 करोड़ हाउस बनाना। अब इसको छोड़ दिए, यहां छोड़ दिए, ठीक है। तो इसने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में करीब 66.6 लाख घर बन चुके हैं और अभी 33.4 लाख घर बनने बाकी हैं जो कि मार्च 2019 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये घर बनाती थी लेकिन इसके लिए प्रॉपर स्कीम नहीं थी। तो स्कीम आई है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल 2016 में, उसके बाद इसने स्पीड और पकड़ी है और अभी तक पूरा 1.37 लाख करोड़ घर बन चुका है। कब तक के लिए अगर हम बात करें तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं कब तक ये हो चुका है। तो देखिए, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, 14 जनवरी की रिपोर्ट है ये, फिलहाल यहाँ से मेंशन नहीं है। तो इतना घर बन चुका है और अगर आगे बढ़े हम तो यहाँ पर देखिए तो 66.6 लाख होम्स जो हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बन चुके हैं और 33.4 लाख होम जो हैं ये मार्च 19 तक बन जाएंगे, ये भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 1.37 करोड़ रूरल होम्स जो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का टारगेट कब तक अचीव हो जाएगा, तो आपका मार्च तक अचीव हो जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, देख लीजिएगा। कितना टारगेट था, तो 1 करोड़ घर बनाने का टारगेट था, 66.6 बन चुके हैं और 33.4 बचे हुए हैं, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको इनके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन दोनों के नाम पता होने चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो प्रॉपर ये जो मिनिस्ट्री है ये ग्रामीण इलाकों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर सैनिटेशन की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर लें, ये सब वॉच करता है रूरल एरियाज में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक, और रामकृपाल यादव ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये दो पॉइंट आपको हमने बताए हैं, ये दो पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि मिनिस्ट्री एग्जाम में आती है। तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नेशनल अफेयर्स के तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज साइंस सेल्फ रेगुलेटरी कोड, अब ये क्या है इसके बारे में सोचिए। पहले तो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के बारे में सुन लीजिए, जैसे नेटफ्लिक्स इसमें लिखा हुआ है, हॉटस्टार है ना। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो इन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी कोड पर साइन किया है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कंपनियां अपने चैनल पर हमारे देश के झंडे का या राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान नहीं कर सकती हैं। अगर अपमान करेंगी तो इनके खिलाफ पनिशेबल ऑफेंस इनका हो जाएगा और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं, मैंने फिर क्या बोला, हमारा नेशनल फ्लैग हो या नेशनल सिंबल हो उसका अपमान नहीं किया जा सकता है, हम इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। देखिए यहां पर
8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज. इन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी कोड फॉर कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इस पर सिग्नेचर किया है. इसका मतलब क्या होता है, पहले ये 8 कंपनी कौन सी हैं इनके बारे में समझ लीजिए. तो हॉटस्टार, वूट, Z5, एरे, सोनी लिव, ALT, बालाजी, नेटफ्लिक्स एंड एरोज नाउ. तो ये 8 कंपनीज हैं जिन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस पर सिग्नेचर किए हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आगे वही देखिएगा यहाँ पर, नेशनल एम्बल और नेशनल फ्लैग, इसका आप अपमान नहीं कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन है. तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्या मैंने बताया है कॉन्सेप्ट को समझिएगा. 8 कंपनी है, उनके नाम मैंने आपको बता दिए. अच्छा, जो अभी आपके RRB JEE के एग्जाम होने बाकी हैं, SSC CPO के, तो RRB और SSC और इवन बैंकिंग के एग्जाम में भी कंपनीज के CEO का नाम पूछा जाता है. तो मैं आपको इन 8 कंपनी के हेडक्वार्टर्स और CEO के नाम दिखा देता हूं, ताकि भविष्य में आपको थोड़ा सा इससे फायदा मिल जाए. देखिए, तो अगर हम हॉटस्टार की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर मुंबई में है और की पीपल देखिए, अजीत मोहन CEO हैं हॉटस्टार के. ठीक है, तो पहली इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी. अब आगे बढ़ते हुए दूसरी इन्फॉर्मेशन दे आपको हम वूट की बात करें तो वूट के CEO हैं सुधांशु वत्स. यहाँ पे देखिए, हेडक्वार्टर मुंबई में ही है इसका, ये भी आपको याद कर लेना है. आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं G5 के. तो G5 के तरुण कटियाल क्या है, CEO हैं और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. आगे बढ़ते हुए एरे की बात करें तो एरे जो है, देखिए यही लोग क्या है, यही लोग इसके फाउंडर भी हैं और बोर्ड ऑफ मेंबर्स में भी आते हैं. इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है. बी साई कुमार, अजय चाको, ठीक है, देख लीजिएगा. अजय चाको वैसे लीड करते हैं इस कंपनी को. आगे बढ़ें और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सोनी लिव की बात करें तो सोनी लिव के CEO हैं उदय सोधी, ये देख लीजिए यहाँ पर. ठीक है, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर भी इसका है. तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट. एल्ट बालाजी की बात करें तो एल्ट बालाजी में नचकेत पंत वैद्या, ये CEO हैं. ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में ही होगा इसका, बालाजी टेलीफिल्म्स का ये अपना है. ठीक, और देख लेते हैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स जो हमारा है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है और इसके की पीपुल हैं रीड हेस्टिंग्स, चेयरमैन एंड CEO हैं, एंड टेड सैरेंडस क्या है, CCO हैं. ठीक है, तो ये देख लीजिए इन्फॉर्मेशन, बात समझ में आ गई होगी क्या मतलब था सेल्फ रेगुलेटरी कोड का. ठीक है, चलिए तो इरोज नाव की बात कर लेते हैं. ऋषिका लुल्ला सिंह जो है ये CEO है और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में. ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर का मतलब क्या हुआ, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में पास हुआ था और इसके हिसाब से जो भी हमारे देश के नेशनल सिंबल्स हैं उसका अपमान करना पनिसेबल ऑफेंस माना जाएगा. ये 1971 में एक्ट पास हुआ था, ये भी इन्फॉर्मेशन, मतलब पॉलिटी की पॉइंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं आपसे, तो ये आप देख लीजिएगा. चलिए तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की और यहां पर हम बात कर रहे हैं फिर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट द NMIC इन मुंबई. अब ये NMIC क्या है, देखिए तो हमारी इंडियन सिनेमा के लिए एक म्यूजियम डेवलप किया जा रहा है. एक कमेटी बनी है, श्याम बेनेगल उस कमेटी को लीड कर रहे हैं जो कि इस म्यूजियम को बना रहे हैं. पूरा जो जर्नी रहा है हमारे नेशनल सिनेमा का, उसके कुछ मूवमेंट यहां पर कैप्चर किए जाएंगे और दिखाए जाएंगे. तो याद रखिए NMIC का मतलब क्या हुआ, आपको आगे दिखा रहे हैं. म्यूजियम की बात हो रही है हमारी नेशनल सिनेमा पर, आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको समझने हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इन मुंबई ऑन 19 जनवरी. ठीक है, तो आज करेंगे ये इसका उद्घाटन और इसमें वही चीज है, सेम चीज है कि मतलब इंडियन सिनेमा के जो मतलब जर्नी रही है उसको विजुअली और इंटरेक्टिव शो करना, दिखाना लोगों को, तो ये तो आप समझ रहे होंगे. मैंने क्या बोला था, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी क्या है, क्या क्या इस म्यूजियम में हो रहा चाहिए, कैसे इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब तय कर रही थी. इस कमेटी को लीड कर रहे थे मिस्टर श्याम बेनेगल, तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन आगे हम दिखा रहे हैं. देखिए तो श्री श्याम बेनेगल कमेटी के हेड थे. ठीक है, तो एडवाइजरी कमेटी थी उसके हेड थे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है. यानी अगर हम बात करें नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा की हम बात करें तो ये मुंबई में इसका इनॉग्रेशन आज होगा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे और इसके लिए कमेटी बनी है, श्याम बेनेगल कमेटी. आपको ये सारे पॉइंट ध्यान देने हैं दोस्तों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं. देखिए अभी जिनके एग्जाम्स होने हैं, जैसे कल एग्जाम है या आगे SSC JEE का एग्जाम है, जो भी एग्जाम होने हैं, तो नेशनल फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है. तो नेशनल फिल्म अवार्ड को हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा, पूरा अवार्ड कर दिया है यहाँ पर. तो किसको किसको अवार्ड मिला है, किस कैटेगरीज में, आप देख लीजिएगा. वैसे मेन कौन से हैं, देखिए तो विनोद खन्ना जी का निधन हो गया है तो वो जरूरी तो है ही है. उसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म विलेज रॉकस्टार, ये आपको देखना है. बेस्ट एक्टर रिद्धि सेन फॉर नगर कीर्तन बंगाल, बेस्ट एक्ट्रेस श्रीदेवी फॉर मॉम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. कभी कभी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पूछ लेते हैं मेल और फीमेल, तो वो भी देख लीजिएगा. बेस्ट एक्शन डायरेक्टर बाहुबली 2 डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक, और आगे बात करते हैं तो देखिए और तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म देख लीजिएगा ये पे,
मोरकिया मराठी में, मराठी लैंग्वेज में है। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपसे हम इसरो की उन्नति प्रोग्राम। इसरो ने उन्नति प्रोग्राम को लॉन्च किया। पहले ये उन्नति प्रोग्राम क्या है इसके बारे में थोड़ा मुझसे समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। देखिए तो उन्नति जो स्कीम इसरो ने लॉन्च की है, तो इसरो का ऑब्जेक्टिव है जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग देश हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना। जैसे नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो ना, वैसे ही उन्नति क्या, उन्नति स्कीम में क्या होगा, जो ऐसे देश हैं जो सैटेलाइट डेवलप नहीं कर पाते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना। उन्नति से इसरो इन्हें कोचिंग प्रोवाइड करेगा और इनसे नैनो सैटेलाइट्स बनवाएगा। मतलब ये वही बात हो गई, एक तरह की मार्केटिंग और मैनेजमेंट की बात हो गई, कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरों से काम करवाना। तो इसरो उन्नति स्कीम के थ्रू दूसरे देशों से नैनो सैटेलाइट बनवाएगा और इनको प्रशिक्षण भी देगा, ये भी करेगा। तो आइए बात करते हैं उन्नति। मेरे ख्याल से उन्नति के बारे में बात क्लियर हो गई होगी आपकी। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपको समझ रहे हैं इसके। देखिए द इसरो लॉन्च द उन्नति प्रोग्राम इन बेंगलुरु। तो इसरो ने उन्नति प्रोग्राम बेंगलुरु में लॉन्च किया, पहली इंफॉर्मेशन। ठीक आगे बढ़ते हैं। तो इट वॉज लॉन्च टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। इसे हम यूनिस्पेस 50 बोलते हैं। तो 50वीं एनिवर्सरी है जब यूनाइटेड नेशंस ने ये एक कॉन्फ्रेंस किया था कि कैसे हम, मतलब कि जो आउटर स्पेस है उसको एक्सप्लोर करें और पीसफुल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि सैटेलाइट होती है। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप कवरेज कर रहे हो अपने घर से देख रहे हो, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये सब पॉसिबल हो रहा है सैटेलाइट के थ्रू। तो कैसे हम पीसफुल यूज़ करके डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए पहली बार यूएन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। 50 साल कंप्लीट होने के खुशी में इसरो ये करने जा रहा है। ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको शायद यहाँ पर क्लियर ना हो पाए तो आपको शायद हम आगे ले चलें, तो आपको हम कुछ और दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए द उन्नति प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड फॉर 3 ईयर। ये 3 साल का पूरा प्रोग्राम है और ये UR राव सैटेलाइट सेंटर ऑफ इसरो इसमें ये होगा और ये 3 बैच में होगा। मतलब कि 3 जो देश हैं उनके 3 बैच बनाए जाएंगे, प्रॉपर इनको कोचिंग दी जाएगी। ठीक है आगे देखिए इट विल बेनिफिट ऑफिशियल्स ऑफ 45 कंट्रीज। द फर्स्ट बैच स्टार्टेड ऑन जनवरी 17 एंड 30 डेलीगेट फ्रॉम 17 कंट्री पार्टिसिपेट। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्या है ये नैनो सैटेलाइट का चक्कर, क्या है सारा पॉइंट। ठीक है तो उन्नति स्कीम क्लियर। आगे बढ़ते हुए आपको हम इसरो के प्लांट और जो अभी प्लानिंग में मिशन है उसकी स्लाइड दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसरो की बात कर लें तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में KC1 डायरेक्टर है। मेरे ख्याल से अब तो आप लोग बिल्कुल रट लिए होंगे, इतनी बार हमने आपको दिखा दिया है। और आगे बढ़े तो देखिए तो यहाँ पर इसरो के प्लान्ड मिशन है, ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक और अगर हम आगे बढ़ें तो आपको हम दिखाते हैं क्या कि लिस्ट ऑफ प्लान्ड मिशन, ये आपको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। चंद्रयान 2 की बात करें तो ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19 में लॉन्च किया जाएगा। आदित्य 11 की बात करें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसरो ने सन का स्टडी करने के लिए अपना कौन सा सेटेलाइट ये छोड़ने वाले हैं, तो आदित्य 11 19-20 में ये लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हम इन्फॉर्मेशन और दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक अवतार की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली अवतार आपका एक रेस्क्यू मतलब मिशन होगा जो स्पेस में कोई दिक्कत परेशानी होती है उसके लिए। आगे बात करें राइसेट 1A है, निसार है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 और इंडियन वेंसियन ऑर्बिटर मिशन। तो इंडिया ने मतलब इसरो ने बोला हुआ है कि हम जाएंगे वीनस पर और 2020 में जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन। और मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 मतलब कि मंगलयान 2 की बात हो रही है, 21-20 में इसको भी लॉन्च करने का ये इरादा है इसरो का। तो ये सब आराम से एक बार आप PDF में देख लेंगे तो आपको और भी नॉलेज इसमें मिलेगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बिजनेस इकोनॉमी की बात करेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। 1 करोड़ की पेनल्टी क्यों लगाई है? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने KYC जो गाइडलाइंस है RBI की वो फॉलो नहीं किया था, और अगर वो फॉलो नहीं किया था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनाल्टी लगा दी। अब ये KYC क्या है? KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। मतलब क्या हुआ समझिएगा, जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई वाले ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाया और मुकेश अंबानी जी ने भी अकाउंट खुलवाया। अब मान लो कि मुकेश अंबानी जी के अकाउंट में कहीं से भी 50 करोड़ रुपए आते हैं तो मुकेश अंबानी आ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में कहीं से 50 करोड़ रुपए आते हैं तो बैंक मेरा पहले चेहरा देखेगा और बोलेगा कि यार चेहरे से लगता नहीं है यार कि ये 50 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आएंगे, कौन आदमी है पता करो। तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा कि हाँ मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है, मैं यहां पर रहता हूं, तो बैंक को ये नॉलेज कहां से हो रही है? KYC से।
तो केवाईसी का मतलब कि आप लोग अपनी डिटेल बैंक को देते हो तो बैंक आपके ट्रांजैक्शन पे नजर रखता है, तो उससे ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ठीक, तो उसी नियम को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं माना। ये बैंक करते हैं मतलब कि जस्ट लाइक अपने किसी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइम कस्टमर है, उसको उसके ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करते हैं, तो ये सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पकड़ लेता है। ठीक है, देखिए तो आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर, ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। और नो योर कस्टमर के जो नियम है, कानून है, उसको न मानने की वजह से ये पेनल्टी लगी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नो योर कस्टमर के बारे में। तो नो योर कस्टमर को डिफाइन किया गया है आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में नो योर कस्टमर के बारे में समझाया गया है कि क्या क्या पॉइंट इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और यहाँ पर वही सेम मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की ही बात होती है कि लोग ब्लैक मनी को जो व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं उनको पहचानना, उनको रोकना, ये बहुत जरूरी है। केवाईसी को 2002 में हमारे देश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड 6 डॉक्यूमेंट एज ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे आप केवाईसी बोलते हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार और नरेगा जॉब कार्ड। तो ये सब आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट में आते हैं, आप बैंक में इसे जमा करके अपने अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, हमको पता ही है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई का रिजर्व 380 बिलियन US डॉलर अभी चल रहा है। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन आपको याद रखनी जरूरी है, वन फैमिली वन बैंक। इसके एमडी और सीईओ हैं एएस राजीव, हेडक्वार्टर पुणे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में है। ठीक है, और 1935 में इसे बनाया गया था, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और यहाँ पर हम बिजनेस इकोनॉमी की बात करेंगे। और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.5 रहेगी नेक्स्ट फिस्कल में। नेक्स्ट फिस्कल का मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। और ये किसने कहा है, तो ये इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने कहा है, जो कि फिच की एक सब्सिडियरी कंपनी है, फिच के अंडर में काम करने वाली एक सब्सिडियरी कंपनी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। तो ये इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये इतनी होने वाली है 7.5%। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिसकी बात हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू फिच ग्रुप फर्म इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इन्होंने बोला है कि 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7.5% रहेगी। याद कर लेना 7.5%, क्योंकि अभी क्या है, आगे आने वाले एग्जाम में जैसे जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये सब चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, तो करंट अफेयर्स पढ़ने का इससे बढ़िया तरीका है कि अपनी एक नोट्स बनाओ, एक इंडेक्स बनाओ पहले पेज में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर सब कुछ लिख लो, और जब मेरा शो देखो तो जो पॉइंट मैं समझाता हूं, जैसे मैंने इसकी बात की, तो आपका इंडेक्स में एक पॉइंट होना चाहिए ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन, एक पेज से लेके 5 पेज तक, तुरंत उस पेज पे जाओ और ये वाला पॉइंट वहां पे लिख लो, तो तुम देखोगे 2-3 महीने में तुम्हारे पास अलग अलग न्यूज हो जाएगी, तुम्हारी खुद की बनाई हुई बेहतरीन न्यूज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये भी बोला है, इट एक्सपेक्ट होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन 3.4% एंड 4.3%, यानी होलसेल के मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो 3.4% होगा और रिटेल मार्केट में 4.3% होगा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे बिकॉज ये मंथली चेंज हो जाता है चीज़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वही पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम दिखाते हैं कि ये जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी का मतलब होता है हमारे देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर उसकी मार्केट वैल्यू को हम ऐड कर दें तो हमारा जीडीपी निकल जाता है। अगर हमारे देश में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फ़ोन बना है और एक बना है फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर, मोबाइल फ़ोन की कीमत 10,000 रुपये है और गैस सिलेंडर कीमत है मान लीजिए फॉर एग्जांपल कितना 1,000 रुपये, तो अगर हमें जीडीपी निकालनी है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 11,000 हमारी जीडीपी हो जाएगी। सिंपल सा डेफिनेशन है ये। ठीक है, जीडीपी, जीडीपी के बाद क्या आता है, जीएनपी। तो जीएनपी हम कैसे निकालते हैं, तो जीएनपी का फॉर्मूला सिंपल सा है, देख लो भैया सब लोग, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस कितना पैसा आया हमारे देश में बाहर से, मतलब इसे हम एक्स बोलते हैं, और कितना पैसा हमारे देश से गया, भाई हमारी इंडिया एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती पैसा मिलता है वो एक्स हो गया, और हमारी इंडिया इंपोर्ट भी करती है, पैसा हमारा बाहर जा रहा है एम, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमें मिलेगा वही हमारा क्या होता है, जीएनपी होता है, शायद आगे फॉर्मूले में दिया भी हो। हाँ, तो जीडीपी, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी एक्स माइनस एम, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो जीडीपी निकाल ली हमने, जीएनपी निकाल ली, फिर निकलता है एनएनपी। ये कल के मेरे बैंकिंग वाले क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, तो एनएनपी का फॉर्मूला है जीएनपी, जीएनपी कैसे निकलते हैं पता है, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारा एनएनपी निकल जाता है। और यहाँ पर लिखा है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये क्या होता है बेटा, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिच रेटिंग की बात करेंगे तो फिच रेटिंग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ है पॉल टेलर। ये देख लीजिए, यही दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिच वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज को ये भी रेटिंग देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे और डॉक्टर रतन लाल की बात करने आ रहे हैं। डॉक्टर रतन लाल को 2019 का जापान प्राइज दिया जाएगा। ये बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं सॉयल के, मिट्टी के, और मिट्टियों में सॉयल में क्यों डिग्रेडेशन होता है, क्यों इनका अपचरण होता है, तो ये इन्होंने इस पर रिसर्च किया है। इन्होंने बताया है, देखिए आगे से चलते हैं तो इसमें आते सारा पॉइंट। देखिए, डॉक्टर रतनलाल वॉज ऑनर्ड विथ 2019 जापान प्राइज ऑन 16 जनवरी। ठीक है, अब देखिए, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज रिसर्च ऑन द प्रोसेस एंड फैक्टर ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन कॉज बाई इनअप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनअप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल प्रोडक्शन जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे अपने गांव में, अपने घर में, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ के पत्ते वत्ते गिरे हैं नीचे, कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। अब कीड़े पैदा हो रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये इनअप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल प्रोडक्शन है। तो ये मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, ये मिट्टी में जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर ये और संख्या बढ़ेंगे तो मिट्टी को नुकसान होता है। इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं, डॉक्टर रतनलाल ने इस पर रिसर्च किया है, वो देख लीजिए यहां पर। ठीक है, He is distinguished university professor of soil science of the Ohio State University of USA. तो ये आपको जान गया कि ये प्रोफेसर भी हैं और he has been listed among the world most influential scientific mind 2012. तो ये भी इंफॉर्मेशन से आपको दे रहे हैं। तो बेसिकली आपको डॉक्टर रतनलाल के बारे में समझना था कि ये क्या काम करते हैं और इन्हें कौन सा अवार्ड हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जापान के बारे में। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है और प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जी हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे यूपीएससी की, एसएससी की या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि हमारे देश में कौन कौन सी सॉइल किस स्टेट में पाई जाती है और इसमें कौन कौन से केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं और किस तरह के सॉइल में किस तरह की फसलें, क्रॉप्स उगते हैं। ये तो यहाँ पर हमने पूरे डीप में इंफॉर्मेशन दी है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। हम एक साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो स्टेट यहाँ पर है रिच इन लैक्स इन क्रॉप ग्राउंड, ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये, देख लीजिए। चलिए, तो ये हो गई हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हम आगे बढ़ेंगे और आपसे हम बात करेंगे अब अवार्ड एंड ऑनर की। और यहां पर विनेश फोगाट की बात हो रही है, तो विनेश फोगाट नॉमिनेटेड फॉर लॉरियस अवार्ड। तो विनेश फोगाट को लॉरियस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है और ये पहली इंडियन होंगी जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो रेसलर विनेश फोगाट बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो ये इनको दिया जाएगा। इसके बाद देखें, शी हैज़ बीन नॉमिनेटेड इन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टिंग कमबैक कैटेगरी, मतलब कि कमबैक कैटेगरी में इनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे और पॉइंट। देखिए, तो विनेश फोगाट जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, सिल्वर मेडल जीता है 2018 एशियन चैंपियनशिप इन बिश्केक और गोल्ड मेडल एशियन गेम्स इन जकार्ता में इन्होंने जीता है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो इसीलिए इनको नामित किया गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोर्स, तो जिन बच्चों का ALP CBD 2 एग्जाम है उनके लिए हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम 2-3 दिन में ही है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं आराम से, यहाँ पर सारे पॉइंट हैं। ठीक है, जो जो हुआ हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे हमने समझाया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। तो प्रभात सिंह को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बट इन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। प्रभात सिंह जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में महानिदेशक बने हैं, लेकिन कहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, तो सीनियर IPS ऑफिसर प्रभात सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हमने कल ही बात की थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की और आज फिर से उस पर एक न्यूज़ देखी यहाँ पर। तो प्रेजेंटली अभी ये स्पेशल डायरेक्टर हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में, स्पेशल डायरेक्टर, लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट संभालेंगे किसका, आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आपको फिर से ले जाते हैं और भी करंट अफेयर्स में और पॉइंट पे क्या क्या आपको यहाँ पे समझाने में जा रहे हैं। देखिए,
तो 2020 तक का इनका अपॉइंटमेंट है, बस यही एक न्यूज़ यहाँ पर है, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको हमने कल भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बताया था। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी का मतलब कि बेटा ये एक लीगल बॉडी है, इसका अपना लॉ है, और जब भी किसी बॉडी का एक्ट पास होता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। इसका एक्ट पास हुआ है 1993 में, देख लीजिए, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो ये पॉइंट हमने आपको दे दिया, और आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो जस्टिस एचएल दत्तू जो है वो चेयरमैन है, ये सब पढ़ाया है मैंने, कल ही पढ़ाया आपको, ये सब को याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपना बात करेंगे अपॉइंटमेंट की। तो जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी ये कर्नाटका हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, और ये नियम होता है कि जो एक्टिंग होता है वो बाद में मेन चीफ जस्टिस बन जाता है। तो ये क्यों अपॉइंट हुए हैं, तो देखिए महेश्वरी जी पहले थे यहाँ के सीजीआई, तो उनका क्या हो गया, उनका प्रमोशन हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, तो जगह खाली होने की वजह से इनको बनाया गया है क्या एक्टिंग चीफ जस्टिस, कहाँ का, कर्नाटका हाई कोर्ट का। आइए देखते हैं क्या पॉइंट है यहाँ पर। जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, ये इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हिज अपॉइंटमेंट केम आफ्टर द एलिवेशन ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दिनेश महेश्वरी टू द सुप्रीम कोर्ट। मैंने क्या बोला था कि दिनेश महेश्वरी जो कि चीफ जस्टिस थे कर्नाटका हाई कोर्ट के, इनका प्रमोशन हो गया, अब ये जज बन गए सुप्रीम कोर्ट में, तो प्लेस खाली थी, इसी वजह से इनको बना दिया गया क्या एक्टिंग चीफ जस्टिस। हालांकि ये पूरी संभावना है कि बाद में ये पूरी तरह से चीफ जस्टिस बन जाएंगे कर्नाटका के। इनका नाम क्या है, लिंगप्पा नारायण स्वामी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको हम लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दे रहे हैं यहां पर। इस बार क्या हुआ कि काफी चीफ जस्टिस यहां से वहां ट्रांसफर हुए हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको हम यहां पर दे रहे हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, आप पढ़ चुके होंगे, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए ये यहां पे हमने हाईलाइट किया, देख लीजिएगा ये अपडेटेड है बिल्कुल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे BES Expo 2019 begins in New Delhi। अब ये BES Expo क्या है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हमारे देश में जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें प्रोफेशनल्स जो वर्क कर रहे हैं उनका स्किल अच्छा हो, हमारे ब्रॉडकास्टिंग का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो इंक्रीज हो। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, आप मुझे देख रहे हो ना, ये भी क्या है, ब्रॉडकास्टिंग ही तो है। तो इसीलिए BES Expo जो है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। आइए देखते हैं क्या पॉइंट इसमें है। The 25th International Conference BSC Expo 19 was inaugurated in New Delhi on 17 January. ये इन्फॉर्मेशन। 300 कंपनीज फ्रॉम 25 कंट्रीज जो है वो इसमें हिस्सा लेंगी, हालांकि ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे नहीं आते हैं। ठीक है, कहां पर हो रहा है, दिल्ली में, कौन सा एडिशन 25th, ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए BES के बारे में बात करें, देखो तो BES द ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी 1987 में स्टैब्लिश हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, पहले इंफॉर्मेशन ये देख लीजिए। अब आगे देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो देख लीजिए, टू प्रमोट एंड प्रमोट द एडवांसमेंट एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज प्रैक्टिस एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द फील्ड ऑफ रेडियो टेलीविजन एंड अदर मीडिया। तो वही ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इनहेंस द नॉलेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, तो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे अच्छे अच्छे लोग लाए जाए, यही सब बेस्ट प्रैक्टिस की बात यहां पर हो रही है। CBS मौर्या जो है ये क्या है, BES के प्रेसिडेंट है, ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आपको अब रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन DDRS हेल्थ इन मुंबई, तो मुंबई में DDRS का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, ये आपको बताया जा रहा है। अब ये DDRS क्या है, तो आइए देखते हैं, आपको पॉइंट दिखाते हैं क्या इसका मतलब है। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम वॉज हेल्ड इन मुंबई ऑन 17 जनवरी। तो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना जो है ये मुंबई में इसका क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये क्या मतलब इसका होता है, तो इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो किसने किसने इसको होस्ट किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। बेसिकली देखिए कॉन्सेप्ट समझने का मतलब, पहले हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो फिर आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम क्या है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए दीनदयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम का मतलब क्या होता है, तो ऐसे NGOs जो कि विकलांग बच्चों की सेवा करते हैं, इनको रखते हैं, इनको पालते हैं, इनको नॉलेज देते हैं, तो उसको फाइनेंशियल फंडिंग करने के लिए ये DDRS स्कीम बनाया गया। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा क्या मतलब इसका है, NGOs जो कि विकलांग बच्चों की सेवा करते हैं उनको पैसे कहां से मिलेंगे, तो उनको फंडिंग करने के लिए DDRS को बनाया गया है। अब क्लियर होगा, अब वापस आते हैं। देखिए
तो इसका वही कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुआ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इसे किसने किसने होस्ट किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये क्या मतलब है DDRS का, ठीक है। चलिए, तो देखो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, हम उसे याद भी नहीं कर पाते। ये मुझे मेरा मानना है, मैं खुद फैकल्टी हूँ और मैं खुद इस पर रह चुका हूँ। तो अगर DDRS के बारे में मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना तो आप भूल जाओगे, लेकिन उसका मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि देखो ये क्या काम करते हैं, तो आप शायद ना भूलो, आपको क्लियर हो जाता है। और आगे भविष्य में कभी कोई क्वेश्चन आया तो आप इसे कर भी लेंगे कि DDRS का एग्जैक्टली में वर्किंग क्या है, ठीक है। चलिए, तो दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। तो बेटा ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फेस्टिवल की बात करेंगे। तो शहरी समृद्धि उत्सव टू बी ऑर्गेनाइज इन फरवरी, तो शहरी समृद्धि उत्सव जो है ये फरवरी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या इसका मतलब है, आइए आपको आगे ले चलते हैं तो शायद आपको और क्लियर ये चीज़ें हो जाएं। देखिए, तो शहरी समृद्धि उत्सव की बात करें तो ये फोकसिंग ऑन अर्बन लिवलीहुड इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज करेगा शहरी समृद्धि उत्सव को, और इनका मेन फोकस होगा अर्बन लाइवलीहुड पर, अर्बन लाइवलीहुड मतलब शहरी आजीविका पर। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है कि हर स्टेट से बोला गया है कि अगर आपके सिटी में अगर पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है तो आपको जॉब फेयर, जॉब मेला वहां पे लगवाना पड़ेगा और वहां के लोगों को जॉब दिलानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये आजीविका को इंक्रीज करने के लिए ये उत्सव होस्ट किया जा रहा है। आइए और दिखाते हैं आपको। द इवेंट एम्स एट एक्सटेंडिंग द आउटरीच ऑफ नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द मोस्ट वल्नरेबल। तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत क्या होता है बेटा, आपकी स्किल्स डेवलप की जाती हैं और आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। तो जो शहर में गरीब लोग रह रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए ये इस इवेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि वहां तक पहुंचे और उनको जॉब प्रोवाइड कराएं। इसके बाद देखें यहां पर, तो जॉब मेला विल बी ऑर्गेनाइज बाई द स्टेट इन ऑल द सिटीज हैविंग मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था, तो आई होप कि ये पॉइंट पढ़ने के बाद आपको शहरी समृद्धि उत्सव क्लियर हो गया होगा कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, आपके सामने फिर से हम लेके आए स्लाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो 1952 में से फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और दुर्गा शंकर मिश्रा जो है बेटा ये सेक्रेटरी हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये दोनों नाम आपको याद कर लेने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको फेस्टिवल की बात करेंगे फिर से। तो सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था, नागपुर में शुरू हो रहा है। तो नागपुर वैसे भी संतरों के लिए फेमस है, तो जो नागपुर का अपना जो ऑरेंज है उसको वर्ल्ड लेवल पे ब्रांड बनाना, इसके लिए ये इवेंट होता है और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल जो है इसका उद्घाटन नागपुर में हुआ, ठीक है। और अगर बात करें तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया कि ब्रांड को आगे बढ़ाना, दिखाना स्टैंडर्ड की हमारा क्या ऑरेंज का स्टैंडर्ड है, ये सब के लिए वर्ल्ड लेवल पे आने के लिए ये फेस्टिवल होता है। तो कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है, आपको सेकंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, नागपुर में हुआ, सेकेंड एडिशन, ये याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो अभी इधर बीच हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर जी आपको दे रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम पहले भी दे चुके हैं, लाइक इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल तो बीकानेर, द्विजिंग फेस्टिवल, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं असम में हुआ। तो एक बार और रिवीजन आप कर सकते हैं हमारे PDF से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद MCQs आएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने 1 करोड़ माइलस्टोन टच कर लिया, मतलब कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको हम दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 1 करोड़ बेनिफिशियरीज एज ऑन January 14, 2019। तो ये मैं आपको बता रहा था कि 14 जनवरी तक जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड कर दी गई है, ये इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लीमेंट करता है थ्रू EPFO,
एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो EPFO का नाम भी इसमें आ गया है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा। 7 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको EPFO के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो EPFO की बात करें तो EPFO को 1952 में फाउंड किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सुनील भरतवाल जो हैं ये सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं और राजेश बंसल जो हैं ये एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और MCQs की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पर। RBI has decided to keep the minimum average maturity period at how many years of all ECB, irrespective of the amount of borrowing as on 16 January. तो 16 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने उधार की राशि के पृथक सभी ECB के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि कितने वर्ष रखने का निर्णय लिया है। मतलब कि अगर आपने ECB लिया तो 3 साल की मैच्योरिटी होनी चाहिए, 3 साल के बाद ही पैसा दे पाएंगे वापस। अब देखिए गवर्नमेंट की स्कीम है, आया है आंसर कि भैया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ लोगों को हमने जॉब दे दी है उसमें, बट हम क्या कर सकते हैं, हमें जो याद करना है वो याद करना है। और इसका आंसर क्या होगा, एंड द आंसर इज 3। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, आप यहां पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी 16 जनवरी को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस स्टेट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दे दी है, ये आपसे पूछा गया है। और क्या इसका आंसर होगा, कल ही आपको पढ़ाया गया है और आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। व्हाट इज द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज, अंशुल पांडे तुम आंसर दो, मोगली आंसर दो, क्या बोल रहे हो, बहुत मार पड़ेगी। चलो और आंसर क्या है, असम है ये, इसका आंसर क्या है, असम, असम इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has signed a MOU with India for implementation of risk-based safety management system in mines on 16 January? तो किस देश ने 16 जनवरी को खानों में जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए भारत के साथ एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर अभी कमेंट आ रहे हैं, आंसर अभी नहीं आ रहे हैं, वॉट इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है असम सब लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड। अंशुल पांडे हंसी आ रही है ना, एक दिन मिलते हैं तुमसे। चलो क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहाँ पर, और श्रीधर बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, टाइम से आया करो जी, जब जागो तभी सवेरा, ठीक कहा गया है, लेकिन अभी नहीं जागना है, 7:30 भी जागना है। एंड राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर, तुम लोग कहाँ से पढ़ ले, तो ये पॉइंट तो मैंने पढ़ाया नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड एज द कन्वेनर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द GST काउंसिल फॉर इशूज रिलेटिंग टू द लॉटरी ऑन 10th January, आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था। और आप लोग के लिए एक थोड़ी सी न्यूज़ और भी है कि मैं जा रहा हूँ घर, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए रेस्ट करने के लिए, और मैं आपसे मिलूँगा अब नेक्स्ट वीक, मतलब कि 26 तारीख को, हाँ तो जो 27 तारीख जो मंडे आएगा वहाँ से हमारी करंट अफेयर्स क्लास फिर से कंटिन्यू होगी। तो कल क्लरिकल मेंस का पेपर है, तो थोड़ा सा मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई है, उसके बाद ये होगा, ठीक है बेटा, खुश होंगे आप लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है अच्छी बात है। एंड द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, दिखा रहे हैं तुरंत, एंड द राइट आंसर इज सुधीर, हाँ सुधीर, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संगीत नाचक अकादमी द्वारा वेब अभियान सांझी मुझू में कलाकार का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा, तो विच फेस ऑफ द वेब कैंपेन सांझी मुझ में कलाकार विल बी लॉन्च बाई संगीत नाटक अकेडमी इन जनवरी 2019। और मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है यार बहुत दिन से। मयंक सिंगल तुम भी हो गया यहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आंसर दो। हाँ मैं घर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, नेक्स्ट मंडे मैं मिलूँगा आपसे, ठीक है, और नेक्स्ट मंडे आपको आना है, एक हफ्ते तक जो पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिए अच्छे से। एंड द आंसर इज सेकंड, ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हु हैज रिसीव द गांधी पीस प्राइज फॉर 2018 ऑन 16 जनवरी, देखिए 18 की बात हुई, कल मैंने आपको 16, 17 सब पढ़ाया था, 18 के लिए किसको मिला ये आपसे पूछा गया है। देखते हैं अमीश जी, लड्डू जी से मिलकर देखते हैं कैसे हैं वो। चलिए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, आइए जल्दी से। इतनी लंबी छुट्टी, अरे यार मतलब इतने दिन से आ रहे हैं, अब यार एक हफ्ता तो बनता है ना कम से कम।
चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर है? एंड द आंसर इज यो हे ससाकावा। ये देख लीजिएगा, कल का ही न्यूज़ में पढ़ाया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द गांधीयन रिसर्जेंस समिट इन, और परेशान मत होइए, आपको डेली मॉर्निंग में एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, मतलब एमसीक्यूज तो मिले, करंट अफेयर्स मिलेगा आपको एमसीक्यू फॉर्म में, तो मैं वहां से करवा दूंगा, सारा काम करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मिलेंगे करंट अफेयर्स का, बहाना नहीं है कि नहीं आप नहीं थे पढ़े नहीं। एंड राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आपको ये पता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो VAF वॉज लॉन्च बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी, व्हाट डस वी स्टैंड फॉर, ये आपसे पूछा गया है। अपर्णा सिंह जी, बिल्कुल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन से पढ़ते रहिएगा, नेक्स्ट मंडे आपका मैं रिविजन करवा दूंगा, पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। एंड द आंसर इज वोटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड द संरक्षण क्षमता महोत्सव 2019, कल की न्यूज है, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, क्या इसका आंसर होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। एमसीक्यू की टाइमिंग मॉर्निंग में ही होनी चाहिए कंप्यूटर जी, इवनिंग में, ठीक है, आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, आज ही बता देंगे टाइमिंग, ठीक है, अभी मतलब बता दिया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड यंगेस्ट मैन टू क्लाइंब द 7 हाईएस्ट पीक एंड वोल्केनिक समिट अक्रॉस ऑल कंट्रीज, तो ये भी आपको पढ़ाया गया है, और इसका हाँ क्लास टाइमिंग बता देंगे बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी बहुत सारी फैकल्टीज हैं, वैसे मॉर्निंग में ही मिलेगा तुम्हें, 7:30 पर ही मिलेगा, 7:30 पर ही मिलेगा, श्योर 7:30 पर ही मिलेगा, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज सत्यरूप सिद्धांत इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the 10th edition of the India Rubber Expo 2019 inaugurated on 17 January? तो Rubber India Expo कहाँ पर हुआ, तो कल आपको पढ़ाया गया था, आंसर आप लोग जानते होंगे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मुंबई, मुंबई इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक लीड बाई विच बैंक हैज एग्रीड टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर नागपुर मुंबई समृद्धि कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, तो ये भी आपको बताया गया था, कंसोर्टियम क्या होता है मैंने कल बताया था, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर वॉज द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इनॉग्रेटेड ऑन 17 जनवरी, तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। एंड द राइट आंसर इज गुजरात में कौन सा शहर है, तो गांधीनगर, गांधीनगर इज राइट आंसर, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The Union Cabinet approved an expenditure sanction of over how much crore rupees for Integrated E-Filling and Centralized Processing Center 2.0 project of the Income Tax Department. तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग के एकीकृत ई फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0 परियोजना के लिए कितना अमाउंट फंडिंग की है, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा। And the right answer is option number 2, 4,200 crore. 4,200 crore is right answer. Our next question is, Where was the world first television channel dedicated to human rights launch on 16 January 2019? तो आपको ये मैंने पढ़ाया था कल ही, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है लंडन, लंडन इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the additional solicitor general of India for the Supreme Court on 15th January? आपको ये पता है क्या इसका आंसर होने वाला है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, 1 एंड 3, मतलब संजय जैन और KM नटराज, ये हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपीज हाउ मच करोड़ सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन त्रिपुरा टू इम्प्रूव फॉरेस्ट इन द टारगेटेड कैचमेंट एरिया ऑन 16 जनवरी। तो 16 जनवरी 2020 को लक्षित जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों को बेहतर बनाने के लिए त्रिपुरा में एक कितने करोड़ रुपए की सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना शुरू की गई है, और इसका आपको आंसर देना है। रितेश सिंह जी, आपने अभी कुछ दिन पहले मिर्जापुर का बहुत नाम सुना होगा, मिर्जापुर ही हमारा घर है। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1000 करोड़, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट विल बी लॉन्च बाई इसरो ऑन 24 जनवरी 2019, कल की न्यूज मैंने आपको बताई थी, क्या इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ओनली 1 एंड 2, मतलब कलाम सेट और माइक्रोसेट आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर विल द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग टू बी हेल्ड ऑन 12 एंड 13 जनवरी, तो भारत मध्य एशिया वार्ता कहाँ पे आयोजित की जाएगी, ये पुराना क्वेश्चन है, और आपको इसका आंसर देना है, क्या आंसर होगा। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा आज लास्ट क्वेश्चन, तो हु हैज़ अटेंड नंबर वन पोजीशन इन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग एज ऑन 9 जनवरी। आपको इसका आंसर पता है क्या इसका आंसर है, एंड द राइट आंसर इज मैरी कॉम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर शो। तो मैंने आपको बोला कि आपको मतलब आज तो शनिवार है तो मंडे को आपको 20 MCQs मिलेंगे, फिर डेली आपको 20 MCQs मिलेंगे, आपको मतलब क्वेश्चन और आंसर मिलते जाएंगे। हमारा सेशन आएगा, बस मैं नहीं रहूँगा, पूरा सेशन आएगा हमारा, ठीक है, वो पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट मंडे को मैं जब आऊँगा तो मैं पूरे वीक का आपको करंट अफेयर्स का रिविजन करवा दूंगा, करीब करीब 70, 80 या 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिर ट्यूसडे से हम वापस करेंगे, तो आपको आना है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और कोई अभी डीमोटिवेट मत होइएगा, अपने आप को हमेशा रॉकस्टार वाली फीलिंग दीजिएगा, हमेशा आगे बढ़िएगा। और मिलते हैं आप लोगों से, और जिनको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरी मेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, अभिजीत मिश्रा देखिए तो मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं, बिकॉज फेसबुक में मेरे लोग पूरे हो गए तो नए बच्चों को मैं ऐड नहीं कर पाता, या फेसबुक में मैसेज कर तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और बीच बीच में मैं अपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें लाइव आ जाऊँगा, कुछ बातें कर लूँगा आप लोगों से, ठीक है, ताकि कुछ कनेक्टिविटी बनी रहे हमारी आपकी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, आपके सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल्स को लाइक करिए, हमारे चैनल्स के जो अच्छे कंटेंट हैं उनको अप्रिशिएट करिए, जो बुरे कंटेंट हैं आपको लगते हैं उस पर फीडबैक हमें दीजिए, ना कि निगेटिव कमेंट करिए, क्या हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज लर्निंग जो है वो हमेशा होनी चाहिए, हमेशा आपको सीखना चाहिए। तो गाइज आप लोग बेस्ट हैं और आप लोग हमेशा अपने लाइफ में रॉक करेंगे और जहाँ भी जाएंगे रॉक करेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आप लोग को मिस करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, और मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट मंडे को। थैंक यू सो मच।